कोई गेहूं केरोसिन या घी या चोखा ले चाय चावल लेने के लिए लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई अभिमान और सम्मान से जीने के लिए लड़ाई है। और आप लोग जो यहां से कई बार लोगों ने बात कही हम सुनते थे, कई लोगों ने कहा भाजपा वाले गलत है, कांग्रेस वाले गलत है, एनसीपी वाले गलत है, शिवसेना वाले गलत है। नहीं, गलत वो लोग नहीं है, गलत हम लोग है कि हमने ऐसे गधे जैसे नेताओं को चुन के वहां भेजा है। जब जिस दिन हम जागरूक हो जाएंगे, हमारे सत्य जागरूक हो जाएंगे, उस दिन ये नेता जागरूक हो जाएंगे, वरना आज भी ये लोग हमें मूर्ख और बेवकूफ बनाने के काम में लगे। मैंने गोपी चंद जी को तुरंत कहा था, मैंने कहा इन बीजेपी वालों का भरोसा मत करना। देवेंद्र फडणवीस ने कम से कम गोपी चंद जी को 50 बार फोन किया होगा, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर इतनी पब्लिक, इतनी जनता अगर बंबई के अंदर शिवाजी पार्क में खड़ी हो जाएगी, दावे के साथ देवेंद्र फडणवीस आपको आरक्षण देने के लिए आएगा। लेकिन वो ताकत दिखानी पड़ती है, उसके लिए शेर बनना पड़ता है, और जो शेर की तरह लड़ता है उसके साथ खड़े रहना पड़ता है। मैंने यहां देखा 1-2 किलोमीटर से पहले कुछ लोग शेर बनने का प्रयास कर रहे थे, मैंने देखा कुछ लोग शेर बनने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जब मैं इधर ये मंदिर से इधर आया तो मुझे लगा कि एशिया का सबसे ज्यादा शेर कहां रहता है, तो गुजरात के गिरनार में। मैंने कहा नई शेर देखना है तो आर्यवाड़ी में आना चाहिए। ये शेरों का मेला है, ये दशहरा मेला नहीं, शेरों का मेला है। और आज दावा करके साथ, आज संकल्प करके जाओ कि जब तक हमारी लड़ाई पूरी नहीं होगी, जब तक हम इस लड़ाई में जीतेंगे नहीं, हम इस गोपी जन का साथ छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा उनकी बातों में देखो आक्रामकता देखो, तो उन्होंने तुरंत कहा आक्रामकता तो रहेगी, शिवाजी महाराज का प्रदेश है। मैंने कहा शिवाजी महाराज का प्रदेश है इसीलिए आक्रामकता नहीं है, ये आक्रामकता इसीलिए है क्योंकि वो शिवाजी महाराज को भी जानते हैं और राजमाता अहिल्या देवी को भी जानते हैं। हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी मैं मंदिर पे गया था माथा टेकने के लिए, उन्होंने तुरंत कहा कि अगर आपके कपाल पे अगर भंडारा लगा दिया तो आप कुछ लड़ाई हारोगे नहीं। मैंने कहा विजय भावा तंदर कभी हारेगा नहीं। हमें लड़ाई अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लड़नी है, हमें यह लड़ाई अपने आने वाली बहन बेटियों के लिए लड़नी है। अभी जिस तरह से हमारी माताओं ने हमारा स्वागत किया, छोटी छोटी बच्चियां उनके साथ है, मैं चाहता हूं कि अगर जिस दिन हमें आरक्षण मिल जाए उसके 5 साल के बाद जिस कार्यक्रम में आओ, तो वो लड़की मेरा स्वागत सम्मान ना करे, मैं उन लोगों का स्वागत और सम्मान करूं, क्योंकि वो 5 या 10 साल के बाद IAS और IPS बनेगी। बस यही ये समाज चाहता है। ये आरक्षण इसीलिए मांग रहे हैं, आरक्षण कोई भीख नहीं है। कई लोग कहते हैं हम लोगों के भी, तुम लोग आरक्षण मांग रहे हो, आरक्षण मांग रहे हो, क्यों ना मांगे। इस देश के मूल निवासी हमें, नागपुर वाले इस देश के मूल निवासी नहीं है। इस देश के अंदर सही से प्रतिनिधित्व करने का मौका हम जैसी कौमों को मिलना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम लोगों ने महीने पर मजदूरी करते हैं, तब जब हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है वो पसीना इस मां भारती की गोद में गिरता है, और मां भारती कहती है कि ये लोग कभी दुखी नहीं होने चाहिए। ये सरकार चाहती है कि हम लोग दुखी रहे। राजमाता अहिल्या देवी, छत्रपति शिवाजी महाराज, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने क्यों लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के सामने? इसीलिए लड़ाई लड़ी थी ताकि अपना आने वाला भारत सुखी और समृद्ध बने, ऐसे हमें आंदोलन करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन हुआ क्या, उल्टा हमने गोरों से आजादी ले ली, चोरों में आके अटक गए हम, चोरों में आके अटक गए। काकू आंदोलन, गुज्जर आंदोलन, ये सब लोग भाई तो के आंदोलन नहीं कर रहे,
ये लोग अपने आने वाली पीढ़ी को सुखी और समृद्ध देखना चाहते, अभिमान के साथ खड़े देखना चाहते, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हम लोगों को गलत ठहराना में पड़े हैं, गलत लोग। और ये कौन कर रहा है मालूम है? हम खुल के बोलते, खुल खुल बात नहीं घुमाते, हमें आपके वोट नहीं चाहिए कि हम आपको अच्छी अच्छी बात बताए। हम लोगों को गुमराह करने का काम सिर्फ नागपुर से आरएसएस के अलावा कोई नहीं करता, आज भी हम लोग कटे हुए हैं। हम कराड़ में रुके थे रात को कुछ पत्रकार बंधुओं से और समाज के धनगर समाज के कुछ लोगों और मराठा समाज के कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे। मैंने कहा धनगर समाज करता क्या है, धनगर समाज की जरूरत क्या है? तो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि हमें पैसा चाहिए, हमें फलाना दिखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वो लोगों ने कहा धनगर और मराठा समाज ने कि हम चाहते हैं कि हमारा आने वाला भविष्य अच्छे से शिक्षा ले पाए, अच्छे से रोजगार ले पाए, और जिसकी जितनी संख्या दारी इस प्रदेश के अंदर पहले नंबर पर मराठा, दूसरे नंबर पर धनगर, जिसकी जितनी संख्या दारी उसको उतनी भागीदारी, उसको उतनी हिस्सेदारी, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो। अगर पहले नंबर पर मराठा है, दूसरे नंबर पर धनगर है, तो पहले नंबर पर सीएम मराठा होम मिनिस्टर धनगर होना चाहिए। वो बात अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ जुड़ी हुई है, बार बार हम ये बात कहते हैं। और ये क्या है चीज, ये महाराष्ट्र, यहां से कितने बड़े नेता निकले, राजयोद्धा निकले, पराक्रमी निकले, लेकिन आज तक महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा और अन्याय हुआ है। चाहे वो एनसीपी ने किया हो, चाहे वो भाजपा ने किया हो, चाहे वो शिवसेना ने किया हो, चाहे वो कांग्रेस ने किया हो, लेकिन इस धोखे से हमें बाहर निकलने की जरूरत है दोस्तों। और आप लोग बड़े समझदार हैं, आप लोगों के साथ इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, आप बड़े समझदार हैं। अब हमें जागरूक होने की जरूरत है। एक गोपी चंद जी ने जो धनगर आरक्षण आंदोलन की शुरुआत की है, वो किसी सत्ता के सामने नहीं हो सकती। ये आरक्षण आंदोलन की शुरुआत हमें खुद को जागरूक करने के लिए है। हमें समझना पड़ेगा, हमारे वोटों की कीमत समझनी पड़ेगी, हमारी ताकत हमको समझनी पड़ेगी। चुनाव आया, गांव के अंदर खाना बाना लगा दिया, अच्छे अच्छे नेता अच्छी अच्छी गाड़ियां लेकर आए, थोड़े ज्यादा पैसे दे दिए और हमने उसको वोट दिया। नहीं, हमें ये बदलना पड़ेगा दोस्तों। अगर हम ये बदलेंगे तभी हमारे से बीच में निकला हुआ कोई नेता वहां पहुंचेगा और वो हमारे लिए बात करेंगे। हम सब लोग पशु विभाग के साथ जुड़े हैं, भेड़ बकरियों का हमारा बीच में धंधा है। हम मेहनत करते, मजदूरी करते, खेती करते हैं। ये जो हमारे जेब के अंदर जो फोन है, जो मोबाइल है, घर के अंदर जो एसी है, टीवी फ्रिज है, उसके बिना जीवन जी सकते हैं हम? हमारे वहां गुजरात में किसानी में कहावत है कि जो बेल होता है, बेल जो खेती करने के लिए, वो बेल हम दो ढाई साल में बदल देते हैं, दो ढाई साल में। लेकिन बता नहीं हम ये 22, 23, 23, 25 साल के जो बेल कुछ काम के नहीं है, फिर भी हम उसको चलाते जा रहे हैं, उसको चलाते जा रहे हैं। बस यही मेरी बात है। मैं आपके बीच में आया हूं, बार बार आऊंगा और सिर्फ इतना कहूंगा कि मजबूत बनो, लड़ो। अगर लड़ोगे तभी अपना भविष्य बना पाओगे, वरना आजकल नपुंसक लोग और पराजित लोगों को कोई नहीं पूछता और बुलाता भी नहीं है। अब आप तय करो आपको क्या बनना है। आपको शेर बनना है, बिल्ली बनना है, या नपुंसक बनना है? शेर बनना है हमें, शेर बनना है।